हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। हम उपचार नुस्खे चैनल में रोजाना एक लेटेस्ट वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। हरतालिका तीज व्रत 2022 29 या 30 अगस्त पूजा व पारण का समय। सरगी कब खाएं, पानी कब पिएं। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज मनाई जाती है। विवाहित महिलाएं पति की लंबी उम्र और कुवारी कन्याएं मन चाहे वर की प्राप्ति के लिए हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं। इस दिन व्रती महिला निर्जल और निराहार व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। कहा जाता है कि माता पार्वती ने भी भगवान शिव को वर रूप में प्राप्त करने के लिए हरतालिका तीज का व्रत किया था। आज हम आपको साल 2022 में हरतालिका तीज व्रत कब है, पूजा व पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, सरगी कब खाएं और पानी कब पीना चाहिए, इस बारे में बताएंगे। हरतालिका तीज व्रत शुभ मुहूर्त 2022। साल 2022 में हरतालिका तीज का व्रत 30 अगस्त मंगलवार को रखा जाएगा। तृतीया तिथि शुरू होगी 29 अगस्त सायंकाल 3:20 पर। तृतीया तिथि समाप्त होगी 30 अगस्त सायंकाल 3:33 पर। हरतालिका तीज प्रातःकाल पूजा मुहूर्त होगा प्रातःकाल 6:09 से 8:37 तक। प्रदोष काल पूजा मुहूर्त होगा शाम 6:33 से रात्रि 8:51 तक। व्रत का पारण अगले दिन 31 अगस्त बुधवार को किया जाएगा। हरतालिका तीज व्रत पूजा विधि। शास्त्रों के अनुसार हरतालिका तीज की पूजा प्रातःकाल और प्रदोष काल दोनों समय की जाती है। इस दिन प्रातः स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर पूजा के लिए भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की रेत व काली मिट्टी से प्रतिमा बना लें। अब इन्हें एक चौकी पर स्थापित कर इनका श्रृंगार करें। इसके बाद समस्त देवी देवताओं का आवाहन कर विधिवत पूजा करें। पूजा में सुहाग का सामान और लाल सिंदूर माँ पार्वती को अर्पित करें। मीठे का भोग लगाएं। अंत में व्रत कथा पढ़कर आरती करें। अगले दिन व्रत का पारण करें और ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर व्रत सम्पन्न करें। हरतालिका तीज सरगी कब खाएं। हरतालिका तीज का व्रत शुरू करने से पहले सुबह सरगी खाने की परंपरा है। सरगी ग्रहण करने के बाद ही व्रत का संकल्प लिया जाता है और फिर इसके बाद महिलाएं अन्य जल ग्रहण नहीं करती। सरगी खाने का सबसे सही समय सूर्योदय से पहले का माना गया है। सरगी सास द्वारा बहू को दिया गया भेंट और आशीर्वाद होता है, जिसमें सूखे मेवे, फल और सुहाग का सामान होता है। व्रत शुरू करने से पहले ही इसे खाया जाता है। पानी कब पिएं। हरतालिका तीज का व्रत बेहद ही कठिन है, इसे निर्जल रखा जाता है मान्यताओं के अनुसार। हालांकि अगर महिलाएं इस व्रत को निर्जल नहीं कर पाती हैं, तो वे प्रातःकाल जल के साथ इस व्रत को शुरू करने का संकल्प लेकर व्रत शुरू कर सकती हैं और पूजा के बाद पानी पी सकती हैं। वहीं जो महिलाएं 24 घंटे निर्जल व्रत का संकल्प लेती हैं, उन्हें अगले दिन सुबह पूजा व पारण के बाद ही जल पीकर व्रत खोलना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियां पसंद आई हो तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।